हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेडेबल 08। भाई बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है यार, सीएनजी गाड़ी के अंदर लें, पेट्रोल के अंदर लें, ठीक है एक्सटर्नल लें, पंच लें, सिट्रोन लें, कौन सी लें। तो भाई सिट्रोन तो एलिमिनेट ही हो गई है। अब बात आई, अगर कोई चाहता है कि सीएनजी लेना चाहता है तो सीएनजी के अंदर क्या ऑप्शन है अपने पास, तो एक पंच सीएनजी है और एक आपके सामने एक्सटर्नल सीएनजी है, जिनका आज दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा साइड बाय साइड। इसके अंदर जो गैस आती है ना, तो 8 से 9 किलो आती है, क्योंकि जो सीएनजी है यार वो सिर्फ केजीज के अंदर ही काउंट होती है। तो ये रहेगा इसका अंदर सीएनजी का सिलेंडर। तो ये है मेन हाईलाइट इस गाड़ी की, इसके डबल सिलेंडर। यार ये डबल सिलेंडर का सेटअप कभी कभी पहले आफ्टर मार्केट सोचा करते थे कि लग जाए तो कितना मजा आ जाए, स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन कंपनी दे रही है तो कितनी अच्छी चीज़ है ना। बाकी यहाँ पे सारे सेफ्टी वॉल्व हो गए, और इनकी अगर आप बात करोगे कि इसके अंदर कितनी गैस आ जाएगी, तो देखो भैया 60 लीटर की कैपेसिटी है, और मैं कहता हूँ कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो 8-9 किलो की गैस आ जाएगी। अब देखो डायरेक्ट ड्राइवल है ये गाड़ी पंच से। अब पंच जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना डिसअपॉइंट करेंगी। ये वीडियो बेसिकली एक मोटा मोटा ओवरऑल कंपैरिजन टाइप्स कह सकते हो आप इसको। अब जैसे कि ये गाड़ी है अपने सामने, इसके अंदर जो इंजन मिलता है यार, 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है। तो जी ये देखो, ये रहेगा इसका इंजन है ना, 3 सिलेंडर। और पावर की बात करेंगे तो 73.5 PS की पावर है सीएनजी के अंदर, और 103 Nm का टॉर्क। प्लस अगर आप सेफ्टी का पॉइंट से देखोगे भाई, देखो एक बिल्ड क्वालिटी जो है ना, जो आप एक कंसर्न रहता है आप लोगों को कि सेफ्टी रेटिंग्स क्या हैं, तो सेफ्टी टेस्ट तो इसका नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ अगर इसका सेफ्टी टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली ये अच्छे स्कोर करेगी नंबर। सबसे अच्छा इसके अंदर 6 एयरबैग्स दिए हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको अभी हाल फिलहाल में पंच के अंदर नहीं मिलने वाली हैं फीचर्स की। तो देखो यार मेन सेफ्टी फीचर जैसे कि बिल्ड क्वालिटी के लिए मानी जाती है, तो भैया बिल्ड क्वालिटी तो है ही, लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाएंगी तो वो लिमिटेड है। 2 एयरबैग हैं इसके अंदर, ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इस तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं। ISOFIX चाइल्ड माउंट्स, बाकी रियर पार्किंग सेंसर्स है ना, रियर पार्किंग कैमरा, ये सेफ्टी प्लस कन्वीनियंस हो जाते हैं। तो ये सब आपको इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पंच भाई बेकार है, पंच भी अच्छी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, और भैया देश का लोहा है। और फिलहाल ये गाड़ी देखोगे आप तो ये न्यू ऑफरिंग है, बिल्कुल न्यू लुक के साथ है, डायमेंशंस वाइज बिल्कुल क्लोज है। प्लस इसका आप लुक देखो यार, बिल्कुल ही रिफ्रेश्ड लुक है, बिल्कुल न्यू लुक है। जैसे कि इसकी लाइट्स हो गई काफ़ी अच्छी लगती हैं है ना, इसमें आपको DRLs दे रखे हैं एच शेप्ड, यार सीरियसली बहुत प्यारे लगते हैं। ऊपर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर का वो सेंसर दिख जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश के अंदर 2-4 बूंद पड़ने के साथ ही ये चलना शुरू हो जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। चलो ये हो जाता है। इसमें क्या मिलता है यार टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे हम लोगों को ना इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये DRL, तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई नीचे वाले वेरियंट्स में ये देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत प्यारी चीज़ है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो जाते हैं, इधर आपको हाई बीम के लिए यहाँ पे हेलोजन के अंदर रिफ्लेक्टर्स हो जाते हैं। बेसिकली पूरा सेटअप ये आपका हेलोजन के अंदर है। नीचे क्या है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स का यार बहुत यूज़ है। और जब आप पीछे की तरफ जाओगे ना इसके, तो पीछे भी आप ये कहोगे कि वाह यार क्या लुक दे दिया इसका, मतलब ओवरऑल आप खुद देखो यार कितना अच्छा लुक दे रखा है इसके अंदर। प्लस ये जो सारे टेक्स्चर डिज़ाइन दे रखे हैं ना, यहाँ आप देखो बिल्कुल क्लोज से इस तरीके से बिल्कुल टेक्स्चर्ड है, सेम एज आपको इधर भी है इस तरह से टेक्स्चर्ड मिल जाएगा। आगे वाली जो ग्रिल है यहाँ पे भी आपको यार टेक्स्चर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। प्लस यहाँ पे जब आप गाड़ी के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको टेक्स्चर्ड मिल जाएगा, ये रहा बिल्कुल डोर पे टेक्स्चर्ड डिज़ाइन, प्लस डैशबोर्ड पे भी आपको टेक्स्चर्ड मिल जाएगा। तो LED के अंदर लाइट्स हैं, ठीक है, चलो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। इंटीग्रेटेड है सब कुछ, चाहे रिवर्स लैंप हो चाहे इंडिकेटर हो, नीचे रिफ्लेक्टर्स और ट्रायर वाला पैटर्न मिल जाता है। क्लैडिंग का पार्ट भी अच्छा है, और पार्किंग सेंसर इसके अंदर आपको 2 मिल जाते हैं। अब क्या है, जैसे कि ये CNG है तो इसके अंदर टायर कहाँ प्लेस करा गया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ मिल जाएगा आपको टायर नीचे की तरफ, यहाँ से आप अपना रियर डोर खोलो और ये रहेगा इसका पूरा सीन। बाकी ये डुअल टोन के अंदर हो जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज़, ठीक है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, और ये इसकी सीट्स हो जाती हैं, सीट्स देखने में काफ़ी चौड़ी लग रही हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और कंफर्ट के मामले में भी काफ़ी सही लग रही हैं, दैट मीन्स गद्देदार लग रही हैं। प्लस अगर आप अंदर की बात करोगे ना, तो यहाँ पे रियर AC वेंट्स वगैरह आपको इसके नीचे वाले वेरिएंट से भी मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी SX में तो आते ही आते हैं, ये SX वेरिएंट है इसका। प्लस एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लेकिन जो सीट बेल्ट है ना, ये आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं,
स्पेशियस कैबिन लगता है इसका, है ना, प्रीमियम फील देता है। चलो ये हो जाती है फ्रंट की ट्रिम, पूरी प्लास्टिक की रहने वाली है ना। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स, ORVM सिर्फ आपके एडजस्टेबल हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, है ना, फोल्डेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे स्पेस और जो फ्रंट की ट्रिम रहेगी ना वो कुछ आपकी ऐसी रहेगी। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये सारे विंडो के स्विचेस हो जाते हैं, ORVM के कंट्रोल, फोल्ड अनफोल्ड सब इलेक्ट्रिकली रहने वाला है। प्लस यहाँ देखो आप ट्रैक्शन वगैरह के कंट्रोल और अंदर का लुक कैसे भाई डिनाय किया जा सकता है। ये देखो इसका स्टीयरिंग व्हील, और उससे भी अच्छा ना ये देखो यार इसकी स्क्रीन, ये है भाई इसकी स्क्रीन। अब आप खुद देखो डिजिटल है, सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, सेंटर में छोटी MID है। साथ वाला जो पार्ट है ना उसको तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो लुक ऐसा देती है बहुत प्यारा। और 8 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलती है। अब जो डिस्प्ले है ना ये देखो, साउंड सिस्टम जो स्पीकर है ना वो अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते भाई, उसमें हरमन का आता है, किसी ना किसी चीज़ में कुछ अप होता है, कुछ चीज़ एवरेज होती है ना, लेकिन इसका साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे जब बात आती है ना टच एंड फील की तो ये बहुत रिस्पॉन्सिव और बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की AC यूनिट मिलती है। तो ये रहेगा इसका स्टीयरिंग व्हील, है ना, एसेसरी मोड पर डालते हैं इसको और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। तो ये रहेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका वो आपका कह सकते हैं कि सेमी डिजिटल टाइप से, और यही चलता आ रहा है ना। मतलब मैं अगर कहूँ ना तो दे तो ये अच्छी चीज़ रही है, बट ऐसे आँखों को मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी ये देखो पूरा है ना लेदर रैप्ड नहीं है, बट है तो भाई सॉफ्ट सा लेदर रैप्ड नहीं है बट। और ये आपका हरमन का सिस्टम भाई, इसकी बहुत तारीफ होती है ना साउंड सिस्टम की। 7 इंच का रहने वाला है, एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर आपको मिल जाता है। और घड़ी भी देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे आपको ऑटो AC नहीं मिलने वाला, लेकिन यूनिट देखने में आपको ऐसी लगेगी जैसे ऑटो AC की है। ये आपके मैनुअल ही रहने वाले हैं। अब देखो आप कहोगे यार कि कंपैरिजन कर रहा है, तो भाई कंपैरिजन जो है ना वो सिर्फ इस चीज़ को लेके है कि अभी जो पंच आ रही है उसको अपडेट होने की ज़रूरत है। और ये गाड़ी बहुत अप मार्केट है यार, चाहे अंदर से ले लो, चाहे बाहर से ले लो, चाहे स्पेस में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में ले लो, तो ये गाड़ी अप मार्केट है। अब कीमत कितनी है इस गाड़ी की, तो भाई ये जो है ना 8,97,000 रुपये के आसपास की एक शोरूम पड़ती है। और ऑन रोड की बात करेंगे तो आप रोड टैक्स और RTO जोड़ लेंगे अपने स्टेट के हिसाब से, तो वो आपको एक प्राइसिंग का आइडिया लग जाएगा। तो देखो यार ये जो वेरिएंट है यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से किसी भी गाड़ी में आके देख लेना, पंच एकम्प्लिश डीजल पैक के साथ टॉप वेरिएंट रहने वाला ही है। अब कीमत कितनी है इसकी, तो देखो यार कीमत जो है एक शोरूम 9,67,900 रुपये की पड़ती है और ऑन रोड 10,90,000 रुपये की पड़ जाती है। अब मैं बिल्कुल भी पंच को यार हेट नहीं दे रहा हूँ, पंच बहुत अच्छी गाड़ी है, पर सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो अपडेट होनी चाहिए, है ना। सिर्फ मैं आपसे ये सारी बातें शेयर करना चाहता था, ये कोई रिव्यू नहीं था, सिर्फ ये था कि हाँ दोनों गाड़ियों के अंदर क्या कुछ सही है और क्या कुछ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बेसिकली ये तो इम्प्रूवड ही है, नहीं है, है ना। तो चलो भाई ये मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।